हमारी आज की टेक न्यूज को। तो सबसे पहले जो हमारी टेक न्यूज निकल कर आती है वो आती है एचपी की तरफ से। तो एचपी, अभी तो हमें जब एचपी का नाम आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है प्रिंटर्स, कैलकुलेटर्स और लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स और कई सारी चीजें, जैसे कि उसके बाद माउस और कीबोर्ड, ऐसे सारी एसेसरीज का नाम आता है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एचपी स्मार्टफोन बना सकता है? कि ये सच होने वाला है, क्योंकि एचपी के पहले भी स्मार्टफोन आ चुके हैं, लेकिन अभी वो कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर आने वाला है। सैमसंग ने जैसे कि फोल्डेबल फोन निकाले थे, तो वैसे ही वो उनका जो है वो एक बेडेड फाइल हुआ है डिजाइन, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है, हमको ये देखने को मिल रहा है कि वो फोल्डेबल फोन पर काम उनका चल रहा है, वो अभी वर्क कर रहे हैं उस पर। तो ये एक अलग ही तरह की फोल्डेबल फोन होने वाले हैं। तो ये जैसे कि बीच से ये फ्लिप होते हैं, ये तीन तरह से फ्लिप होते हैं, एक पहले पूरा का पूरा हो जाता है और फिर थोड़ा बंद होता है और थोड़ा नीचे की तरफ स्लाइड होता है। तो ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है और आप नीचे की तरफ कैमराज भी देख सकते हैं। तो ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट होने वाला है। और जो हमारी जो दूसरी खबर निकल कर आती है उसके अलावा, तो वो निकल कर आती है हमारे इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से, कि इंडिया की गवर्नमेंट ने हमारे जो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग करने में जो उसका फ्यूचर है, तो वो डिसाइड करने के लिए उन्होंने एक नया प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया है। तो इसका नाम कुछ ऐसा है, प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव ऐसा कुछ है। तो इसमें उन्होंने 11 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसमें कुछ ऐसी कंपनीज होंगी मल्टीनेशनल स्मार्टफोन की जो मैन्युफैक्चर करना चाहती है इंडिया में, और फिर यहाँ से वो ग्लोबली उनके जो प्रोडक्ट्स हैं तो उनको ग्लोबली भी बेच सकते हैं और हमारे इंडिया में भी वो सेल कर सकते हैं। तो जैसे कि एप्पल है, तो उन्होंने भी यहाँ पर छलांग लगा दी है, इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो उन्होंने बोला है कि वो यहाँ पर 6 बिलियन तक का यहाँ पर वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे और उनकी जो कंपनी है, जो शिपिंग कंपनी है, तो वो भी फॉकॉन करके जो कंपनी है तो वो भी यहाँ पर करने वाली है इन्वेस्टमेंट। तो इसकी वजह से क्या होगा कि भविष्य में, यानी कि फ्यूचर में 5 साल के बाद मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पर आईफोन जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे और फिर यहाँ पर सेल होंगे, जिसकी वजह से उनके जो रेट है तो उस पर थोड़ा असर पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें आईफोन अफोर्डेबल रेंज में देखने को मिल सकते हैं। और उसमें दूसरा जो नाम आया है कंपनी का, तो वो आया है सैमसंग का। तो सैमसंग भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि सैमसंग भी हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इससे भी हमें बहुत ही अच्छा फायदा हो सकता है और हमारा जो इंडिया है वो 5 साल बाद चाइना जैसे कि अभी मैन्युफैक्चर कर रहा है उनके कंट्री में और फिर ग्लोबली वो बेच रहा है सारे प्रोडक्ट्स को, तो वैसे ही हम कर सकते हैं। तो हमारा इंडिया भी वैसे ही आगे बढ़ सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरे जो 3 स्लॉट बाकी रहे हैं, तो उनमें देखते हैं कि आगे कौन कौन सी कंपनीज इन्वेस्टमेंट करती है। तो स्लॉट्स कम है लेकिन कंपनीज ज्यादा है, तो देखते हैं कि आगे कौन कौन सी कंपनीज इन्वेस्टमेंट करती है। और जो हमारी जो अगली खबर निकल कर आ रही है, तो वो आती है आईफोन की, एप्पल की तरफ से। तो एप्पल का जो अभी इवेंट होने वाला है जो 15 सितंबर को, तो वो इवेंट है, तो उसमें हमें आईफोन 12 तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें हमें आईफोन की जो स्मार्ट वॉच है और उसका स्मार्ट वॉच और जो नया एयरपॉड का जो वर्जन है वो हमें देखने को मिल सकता है, और उसके जो आईपैड है वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा आईफोन 12 की कुछ इमेजेस लीक हुई हैं बाहर, तो उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जो कि पहले आईफोन 11 में हमें देखने को मिल चुका है, और इसमें हमें लडार सेंसर भी देखने को मिला है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि पहले आया था रूमर कि आईफोन 12 में हमें लडार सेंसर देखने को मिलेगा, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक बात लग गई है दिल को, क्योंकि इसमें हमें पहले अनाउंसमेंट हो गई थी कि इसमें हमें 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें अब बताया जा रहा है कि इसमें हमें 60 हर्ट्ज तक की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। और आप बीच से देख सकते हैं कि इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, तो इसमें वो भी स्लॉट है इसमें।
और इसका जो साइड से जो इसका डिजाइन है तो वो आईफोन 5S की हमें याद दिलाता है कि जैसे कि फ्लैट वहां पर आता था तो वैसे ही फ्लैट है इसका जो डिजाइन है वो। तो हमारी जो अगली खबर निकल कर आती है वो आती है सैमसंग अनपैक की तरफ से। तो सैमसंग का जो S20 है तो उसका थोड़ा लाइटर वर्जन एफोर्डेबल रेंज में आने वाला है, तो देखते हैं कि ये कौन कौन से फीचर्स के साथ आता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि S20 लाइट के बाद S20 का दूसरा भी लाइटर वर्जन आने वाला है अफोर्डेबल रेंज में, तो देखते हैं। और उसके अलावा सैमसंग ने दूसरी भी अनाउंसमेंट की है कि उनका M सीरीज और A सीरीज और S सीरीज के बाद अब उनका F सीरीज भी आएगा। F मतलब कि मोटा फैट, जो कि हमें 15 से 20 हज़ार के बजट में देखने को मिलेगा, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं कि F सीरीज के ये स्मार्टफोन हमें 15 से 20 हज़ार के रेंज में देखने को मिलेंगे। तो हमारी जो अगली खबर निकल कर आती है वो आती है वन प्लस की तरफ से। तो वन प्लस का जो 8T है वो हमारे इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुका है, और एप्पल का जो पावर बैंक और स्मार्ट वॉच है एप्पल का वन प्लस की, तो वो भी हमारे BIS सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो चुकी है। तो उनमें भी हमें उनके कुछ फीचर्स देखने को मिले, और इसमें हमें उनकी लॉन्चिंग डेट भी बताई गई है, तो वो सितंबर में बताए गए हैं और 21 सितंबर तक वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं कि आगे वन प्लस का ये स्मार्टफोन क्या क्या कमाल करता है। तो हमें जो अगली खबर निकल कर आती है वो आती है रियल की तरफ से। तो रियल में अपना जो नार्जो सीरीज है वो जल्दी ही लेकर आने वाला है 21 सितंबर को। नार्जो इसमें हमें नार्जो 20, नार्जो 20A, नार्जो 20 प्रो ये सारे देखने को मिलेंगे, और इसमें हमें हीलियो का जो देखने को मिलेगा, इसमें हमें स्नैपड्रैगन नहीं लेकिन हीलियो का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। 21 सितंबर को ये सारे स्मार्टफोन आ जाएगा। और एक पेटीएम भी फाइल हुआ है, जो डिजाइन हमें उसमें देखने को मिल रहा है वो रियलमी का जो पेन है तो उसका डिजाइन है। तो ये तो यार बहुत ही अटपटी बात है कि रियलमी का पेन भी है, बॉल पेन ऐसा उनका नाम है। और इसमें जो हम आगे अगर देखने जाए तो रियलमी अब पेन भी ला रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में रियलमी अंडर गारमेंट्स भी डिजाइन करना स्टार्ट कर दे कि एसी अंदर एसी होगा और वेंटिलेशन होगा तो सारी बाहर की और अंदर की हवा आती जाती रहेगी और ठंडी हवा होगी, तो ये भी मानकर चल सकते हैं। तो हमारी जो अगली खबर निकल कर आती है वो आती है पोको की तरफ से। तो पोको की अनाउंसमेंट हो चुकी है। मुकुल शर्मा ने हमें बता दिया है ट्वीट करके कि ये जो स्मार्टफोन है पोको X3 तो ये हमें 22 सितंबर को इंडिया में लॉन्च हो जाएगा ये स्मार्टफोन। तो इसके लिए अगर आप एक्साइटेड हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं तो इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये एक ऐसा पहला फोन है F1 के बाद जो रीब्रांड करके नहीं बनाया गया है रेडमी से या शाओमी से। तो बस आज की न्यूज में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन ग्रेट डे, ओके देन, बाय।